काली यानी वो समय है। काली की पूजा कई सदियों से होती आई है। अंत में आपकी खोपड़ी भी एक दिन उनकी माला में टंगी होगी, क्योंकि काली समय है। काली का मतलब खालीपन या स्पेस भी होता है। तो प्रकाश जो मुंबई से हैं, पूछते हैं कि जब मेरे पास करने को कुछ नहीं होता तो मैं टाइम कैसे किल करूं? मुझे खुशी है आप सब समझ गए। मुझे नहीं पता था मुंबई में लोगों के पास कोई काम नहीं है। आमतौर पर वो बिजी लोग होते हैं। तो आप टाइम को किल करेंगे? नहीं, टाइम आपको हर घड़ी किल कर रहा है। ये समय है जो आपको मारता है। आप समय को कभी नहीं मारते। अब आप मुंबई में हैं और आपको आजकल जो काली को लेकर विवाद चल रहा है उसके बारे में पता होगा। मुझे पता है ये एक राजनीतिक विवाद है, पर अब जब काली की बात हो ही रही है तो मैं आपको काली का मतलब बताता हूं। काली यानी वो काल या समय है। उनके गले में जो ये इतनी खोपड़ियां हैं, मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि आज ये जो काली की भयंकर और युद्धों की रानी वाली तस्वीरें हैं, वो जो राक्षसों के सिर काटती हैं और ये सब, ये तस्वीरें केवल करीब 1400 से 1500 साल पुरानी हैं, पर काली की पूजा कई सदियों से होती चली आ रही है। तो ये हाल ही की तस्वीरें हैं और पिछले 2-3 शताब्दियों में काली को लेकर ऐसे एक उदार मां वाले गुण जोड़े जाने लगे हैं। मुझे लगता है कि यह सब बाहरी असर वगैरह की वजह से हुआ है, पर असल में काली यानी समय। अंत में आपकी खोपड़ी भी एक दिन उनकी माला में टंगी मिलेगी, क्योंकि वो समय है, वो महाकाली है, और इसीलिए समय हमेशा नाचता रहता है। समय कभी नहीं रुकता है ना। आप चाहें तो अपनी घड़ी रोक सकते हैं, पर समय नहीं रुकता। सिर्फ अमेरिकियों को साल में 1 घंटा आगे पीछे करने की आदत है। वरना समय हमेशा भागता रहता है। एक बार मैंने टाइम ट्रैवल किया था। देखिए, मैं कोई आम आदमी नहीं हूं। दुनिया भर के लोग इंतजार कर रहे हैं कि गुरु कुछ अकल की बात कहेंगे, पर मैं मजाक कर रहा हूं, क्योंकि यही जीवन का ज्ञान है कि आप अपने अस्तित्व के बारे में इतना गंभीर ना हो। थोड़ा मस्ती मजाक किया कीजिए। हाँ, नहीं नहीं, लड़के मस्ती मजाक करने का अलग ही मतलब लगा रहे हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अपने आप में खुद पर हंसना सीखिए, क्योंकि आप एक मूर्ख हैं। आप इस छोटे से मिट्टी के गोले पर बैठे हैं जिसे आप पृथ्वी ग्रह कहते हैं, अनंत अंतरिक्ष के बीच में हैं, पर आप खुद के बारे में कितना सोचते हैं और खुद को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि आप सिर्फ एक कण हैं। समय और स्पेस दोनों के हिसाब से आप इस ब्रह्मांड में बस एक कण भर की जगह लेते हैं। So Kali represents both time and space. The word Kali means, Kala means time. तो काली समय और स्पेस दोनों को दर्शाती हैं। काली शब्द का अर्थ है काल यानी समय। काल का अर्थ खालीपन या काली का अर्थ स्पेस या शून्यता भी होता है। तो योग में समय और स्थान दोनों के लिए एक ही शब्द है, क्योंकि हमारी नजर में वो अलग नहीं है। ये केवल मॉडर्न बुद्धि है जो इसे ऐसे समझने की कोशिश कर रही है, क्योंकि स्पेस है, क्योंकि पॉइंट ए और पॉइंट बी है, तो उस दूरी को तय करने में समय लगता है। आप इसे ऐसे क्यों नहीं देखते? क्योंकि समय है, इसलिए पॉइंट ए और पॉइंट बी के होने की संभावना होती है।
मैं कह रहा हूँ, आप इन दो चीजों को लेकर अंडा पहले आया या मुर्गी वाली बहस करते रह सकते हैं, इसलिए हम उन्हें अलग नहीं समझते। आप बहस करते रह सकते हैं, पहले क्या आया, समय पहले है या स्पेस, मुर्गी पहले आई या अंडा, ये होता आ रहा है। जीवन का ज्ञान यूं है, एक दिन शंकरन पिल्लई, ये उनके पुराने कॉलेज के लोगों की मीटिंग थी, कई सालों बाद, करीब 15-20 सालों बाद, तो वो सारे एक बड़े रेस्टोरेंट में गए, जहां सारे के सारे दोस्त, पता है ना, जब वो मिलते हैं कैसे उन्हें जोर से बोलना पड़ता है, हेलो, क्योंकि 10 मिनट में उनमें से आधे लोग लगभग टल्ली होते हैं, आपको बहुत जोर से बोलना पड़ता है ताकि आपके मुंह बोले दोस्त आपकी बात सुन सकें, जिन्हें आपने 15 साल से देखा तक नहीं है, पर आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। तो सभी लोग पीने और बात करने में बिजी थे, और शंकरन पिल्लई, सभी ने हर तरह का खाना ऑर्डर किया, शंकरन पिल्लई बस भोजन का इंतजार कर रहे थे, उन्हें भूख लगी है, उन्हें बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि कॉलेज में भी उनके दोस्त बकवासी करते थे, अब भी बकवास तरक्की कर लेती है। हाँ, देखिए, आप अपने टीनेज वाले बच्चों की बातें सुने, वो कैसे कुछ 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 करते रहते हैं, आप सोचते हैं ये क्या नॉनस्टॉप बकवास कर रहे हैं, पर जब वो आपकी बातें सुनते हैं तो कहते हैं ये फालतू बकवास है, क्योंकि बड़ों को लगता है उनकी बकवास ने तरक्की कर ली है, असल में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, वही बातें हैं जो अलग अलग रूप ले लेती हैं। तो शंकरन पिल्लई भोजन के इंतजार में बस बैठे रहे, फिर ये बहस छिड़ गई, मुर्गी पहले आई या अंडा पहले, इन सारे लोगों के बीच बड़ी बहस होने लगी, वो लगभग लड़ने पर आ गए। तभी किसी ने शंकरन पिल्लई को कोहनी मारी और कहा, अरे ये क्या है, आप ऐसे कैसे बैठे हैं, आपको क्या लगता है मुर्गी पहले आती है या अंडा पहले आता है। शंकरन पिल्लई ऐसे देखकर बोले, उन्होंने जो भी पहले ऑर्डर किया है वो पहले आएगा। तो मिस्टर प्रकाश, काली यानी समय आपको मार रहा है, ऐसा कभी मत सोचिएगा कि आप कभी समय को मार सकते हैं। बात यह है कि आप समय का कुछ नहीं कर सकते, आप ना तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना उसे मार सकते हैं, आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं या खुद को मार सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। मैं इसका गवाह हूं, इसलिए जो मैं सूत्र की व्याख्या कर रहा हूं वह कोई शाब्दिक व्याख्या नहीं है, मुझे किसी शास्त्र में कोई रस नहीं है, किसी शास्त्र का समर्थन करना चाहिए ऐसा आग्रह नहीं है। जब तक मेरी बात मेरे अनुभव से किसी चीज का तालमेल ना हो मैं समर्थन नहीं करता हूं। इस सूत्र का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। बुद्धत्व में मृत्यु का कोई अनुभव नहीं, न रोग का न दुख का, सब घटता है, बाहर से सब दिखाई पड़ता है। रामकृष्ण को गले का कैंसर था, आखिरी आखिरी दिनों में कुछ सप्ताह तक तो भोजन भी नहीं ले सकते थे, पानी भी पीना अंतिम दिनों में बंद हो गया था, गला बिल्कुल अवरुद्ध हो गया था, गला क्या था, घाव हो गया था सिर्फ, उसमें से पानी पीना भी महापीड़ादायी था और बिना पानी के जीना भी महापीड़ादायी था। विवेकानंद ने रामकृष्ण से कहा, अगर आप एक बार भी मां काली को कह दें तो सब अभी ठीक हो जाए, आप कह क्यों नहीं देते, आप क्यों व्यर्थ का दुख झेल रहे हैं। रामकृष्ण मुस्कुराते,
क्योंकि बाहर से तो यही दिखाई पड़ रहा है कि महादुख है, मगर विवेकानंद को भीतर का कुछ भी पता नहीं। रामकृष्ण को भीतर कोई दुख नहीं है, दुख विवेकानंद रामकृष्ण के बीच में है। विवेकानंद बाहर है दुख के, रामकृष्ण भी बाहर है। रामकृष्ण भीतर की तरफ बाहर है और विवेकानंद बाहर की तरफ बाहर है। दोनों को दुख दिखाई पड़ रहा है, दोनों साक्षी, मगर विवेकानंद को स्वभावतः अनुभव होता है कि इतनी पीड़ा है, पानी भी नहीं पी सकते, गर्मी के दिन है, प्यास से लोग मरे जा रहे हैं और इनको घूंट भी पानी पिलाना मुश्किल है। ये कैसा महाकष्ट, ऐसे परमहंस को ये कैसा महाकष्ट। इससे विवेकानंद केवल इतनी खबर देते हैं, कभी उनको साक्षी का अनुभव नहीं हुआ। उनका प्रश्न एक साधारण व्यक्ति का प्रश्न है, जिसको साक्षी का कोई अनुभव नहीं हुआ। यह किसी बुद्ध पुरुष का प्रश्न नहीं, हो नहीं सकता, क्योंकि अगर विवेकानंद को साक्षी का अनुभव हुआ होता तो ये बात उठती ही नहीं। लेकिन जब रोज रोज विवेकानंद कहने लगे तो रामकृष्ण सीधे साधे आदमी थे, चोट भी करते थे तो बहुत परोक्ष करते थे, सीधी नहीं करते थे। उन्होंने कहा ठीक है, तू इतना परेशान हो रहा है तो आज मैं आंख बंद करके काली से कह देता हूं। आंख बंद की और फिर आंख खोल के कहा कि मैंने कहा, मगर काली ने क्या कहा मालूम। अब ये सिर्फ विवेकानंद को समझाने के लिए, क्योंकि कहां काली और क्या कहना काली से। साक्षी को जो उपलब्ध हो गया है उसके लिए काली इत्यादि सब खेल, बच्चों के खेल, खिलौने, ये सब खिलौने हैं। चाहे तुम हनुमान के मंदिर में पूजा करो और चाहे गणेश जी की मूर्ति बना के पूजा करो, चाहे काली की मूर्ति बनाओ, ये सब खिलौने हैं ना समझों के लिए, और ना समझों के ही द्वारा निर्मित हो रहे हैं, और ना समझ ही इनके पीछे बड़ा शोरगुल मचाए फिरते। ये कुछ ज्ञानियों की बातें नहीं, पर रामकृष्ण तो उस भाषा में बोले जो विवेकानंद की समझ में आए। कहा कि मैंने कहा, तू नहीं माना तो मैंने कहा काली को, और तुझे पता काली ने मुझे बहुत डांटा। विवेकानंद ने कहा डांटा, बहुत डांटा, और कहा कि ज्ञानी हो के ऐसी अज्ञानपूर्ण बातें करता है। और काली एकदम नाराज हो गई और कहने लगी कि चुप, कभी दोबारा इस तरह की बात मत करना। अगर एक कंठ से जल जाना बंद हो गया तो इतने सारे कंठ उपलब्ध है, ये भी तो तेरे ही कंठ है, इनसे ही जल पी, इस कंठ से तो बहुत काम ले लिया, अब कब तक इसी पे अटका रहेगा, सारे कंठ तेरे। ये विवेकानंद का ही कंठ है, ये भी तेरा है, जब प्यास लगे इसी कंठ से पी लिए। रामकृष्ण ने विवेकानंद से कहा जब मुझे प्यास लगे तू पानी पी लिया कर, अब तो सब कंठ मेरे। काली ने देख तेरी बात मैंने क्या कही, मुझे बहुत डांटा, इस तरह की बातें अब दोबारा मत कहना, तेरी बात मान के मैंने कहा और झंझट में मैं पड़ा। मैं जानता हूं कि पूरी की पूरी रामकृष्ण बात सिर्फ विवेकानंद को समझा रहे, न तो काली से उन्होंने कहा है, न कह सकते, न कहने की कोई बात है, न कहने को कोई काली है कहीं। ये सिर्फ ऐसा है जैसे हम छोटे बच्चों को किताब जब पढ़ाना शुरू करते तो कहते हैं आम का, गा गणेश का, आप थोड़ी बात बदल गई, कहते हैं गा गधे का, क्योंकि राज्य जो है हमारा वो सेकुलर है, वो धर्म निरपेक्ष, इसमें गणेश को लाओ तो धर्म आ जाए, तो गा गधे का। गधा बिल्कुल ही निरपेक्ष प्राणी, न हिंदू न मुसलमान न ईसाई न जैन, गधा तो बिल्कुल ही पार जा चुका परमहंस, उसको कुछ लेना देना नहीं मंदिर से मस्जिद से, कभी देखो तो मस्जिद के सामने बैठा है, कभी देखो तो मंदिर के सामने बैठा है, उसको सब बराबर। तुम उसको कुरान लाद दो तो इंकार नहीं और गीता लाद दो तो इंकार नहीं, उसको तो ढोना है, वो ढो देगा, वो जरा चिंता नहीं करता कि तुमने किसको उस पर लाद दिया है।
बच्चों को पढ़ाया जाता गा गधे का, आ आम का, ताकि बच्चे को आ और गा समझ में आने शुरू हो जाए। लेकिन जिंदगी भर जब भी गा पढ़ो, पहले कहो गा गधे का और फिर गा पढ़ो, तब तो पढ़ना ही मुश्किल हो जाए। एक शब्द को पढ़ने में कितनी देर लग जाए, उसमें गा आ जाए तो गधे का और आ जाए तो आम का, और तब आम और गधों में इतने खो जाओगे और बा बंदर का और हां हाथी का पूरा जंगल ही खड़ा हो जाए, वो जो शब्द था उसका तो पता नहीं चलेगा, ये जंगली जानवरों में खो जाओगे। वो गा गधे का पहली कक्षा में ठीक, फिर गधे को भूल जाना, गा को याद रखना, फिर गा किसी का नहीं, ना गधे का ना गणेश का, गा सिर्फ गा है। जिस दिन तुम्हारा गा गधे और गणेश से मुक्त हो जाता है, उस दिन तुम समझना कि तुम सीख गए गा। जब तक वो गा गधे और गणेश से बंधा रहे, तब तक तुमने सीखा नहीं। और अगर हमेशा के लिए बंध जाए तो तुम पागल हो। काली है और हनुमान है, ये सब पाठ पढ़ाने के लिए ठीक है, मगर लोग इन्हीं के सामने बंधे बैठे। कुछ लोग जो जिंदगी भर हनुमान चालीसा ही पढ़ रहे हैं, इनकी जिंदगी व्यर्थ गई, निरर्थक गई। जीवन की सार्थकता साक्षी भाव में, रामकृष्ण ने वही कहा कि मुझे कोई पीड़ा नहीं हो रही, तू पी लेना पानी, काम चल जाएगा, मैंने पिया कि तू ने पिया, सब बराबर है। सर्वहा पश्या पश्यति सर्वमापनोति सर्वस इति, वह सबको आत्मरूप देखता है। जैसे मैं गया सब आत्मरूप हो जाते और सब कुछ प्राप्त कर लेता है, मैं क्या गमाया सब संपत्ति मिल गई, मैं के साथ विपत्ति ही विपत्ति है, दुख ही दुख है, नरक ही नरक है। तुमने मैं से कभी कोई सुख पाया, तुमने अहंकार से कभी कोई आनंद पाया, मगर अहंकार को भरने के लिए ही दौड़े चले जा रहे हो। इससे बड़ी मूर्ता इस संसार में दूसरी नहीं। अहंकार की मूर्ता को देखो, अहंकार से मुक्त हो जाओ, और मुक्त होना कठिन नहीं, सिर्फ छोटी सी प्रक्रिया है, छोटी सी कुंजी। कुंजी तो हमेशा छोटी होती, ताले कितने ही बड़े हों कुंजियां तो छोटी होती, जरा सा राज होता कुंजी का और ताला खुल जाता। कुंजी ना हो तो ताला खुलना मुश्किल हो जाता, हथौड़ी से तोड़ो तो शायद और भी मुश्किल हो जाए, फिर शायद कुंजी भी मिल जाए तो काम ना आए। और तुम्हारे ताले ऐसी ही हालत में हो गए, हथौड़ियां तो तुमने बहुत मारी, कुंजियों की तलाश नहीं की, इसलिए अब जब कुंजी भी मिल जाती तो बड़ी देर लगती, मुश्किल होती। ये मुश्किल तुम्हारे ताले के साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण है, अन्यथा कुंजी सीधी साफ, कुंजी इतनी ही है कि चलते समय जाग कर चलो, देख कर चलो कि जो चल रहा है वह शरीर है, मैं अचल हूं, मैं सिर्फ देख रहा हूं कि शरीर चल रहा है, ये बायां पैर उठा, ये दायां पैर उठा, ये मैं बायां मुड़ा, ये दायां मुड़ा, ऐसा कुछ सब दोहराने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखते रहो जैसे कोई किसी और को चलते हुए देख रहा हो।
और जब विचार भीतर चले जो कि प्रतिपल चल रहे हैं तो देखते रहो कि विचार चल रहे हैं, लड़ो मत, पकड़ो मत, ये अच्छा विचार है इसको छाती से मत लगा लो और ये बुरा विचार है इसको धक्के दे के निकालने मत लगो, नहीं तो झगड़े में पड़ गए। साक्षी गया, कर्ता हो गए, कर्ता हुए कि अहंकार आया। लड़ना मत, झगड़ना मत, विचार को देखना, सिर्फ देखना, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ देखना है। बैठ के घड़ी भर जब सुविधा मिल जाए देखते रहना, विचारों का सिलसिला लगाए, जैसे कोई रास्ते के किनारे बैठ जाए और रास्ते पे चलते हुए लोगों को देखे, नदी के किनारे बैठ जाए, नदी की धार को बहते हुए देखे, ऐसे ही मन की धार को भी देखना। और मत सोचना कि मेरा मन, क्योंकि मेरा मन है तो आग्रह आ जाते, अच्छे अच्छे विचार आए, सुंदर सुंदर विचार आए, फूल लगे, कांटे ना लग जाए, कोई बुरा विचार ना आ जाए, बस फिर तुम मुश्किल में पड़े। तुमने मेरा माना कि अहंकार जगना शुरू हो गया, तुम्हारा कुछ भी नहीं, क्या लेना देना है, देखते रहना है। जैसे फिल्म पर तुम कुछ आग्रह नहीं रखते, पर्दे पर फिल्म चलती, तुम देख रहे हो, यूं देखते रहना और तुम चकित होगे, शरीर को देखते देखते शरीर से छुटकारा हो जाता, मन को देखते देखते मन से छुटकारा हो जाता, रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता, तुम्हारे भीतर एक नई चीज पैदा होने लगती है, एक नया सूत्र जन्मता है, साक्षी का, सिर्फ दृष्टा का। और वही दृष्टा जिस दिन अपनी पराकाष्ठा को पहुंचता है, संबोधि बन जाती, समाधि बन जाती, उस दिन दूर रह गए बहुत शरीर और मन, और दूर रह गए शरीर और मन के खेल, उस दिन तुम अपनी परम सत्ता में विराजमान हो जाते, वही परमानंद परम जीवन है। हिंदुओं से ज्यादा कल्पनाशील काव्यात्मक कोई जाति पृथ्वी पर नहीं, उनके काव्य बड़े गहरे हैं। तुमने कभी देखा है काली की प्रतिमा, वो मां भी है और मौत भी। काल मृत्यु का नाम है इसलिए काली, और मां भी इसलिए नारी। सुंदर है, मां जैसी सुंदर, मां जैसा सुंदर तो फिर कोई भी नहीं हो सकता। अपनी तो मां कुरूप भी हो तो भी सुंदर मालूम होती, मां के संबंध में तो कोई सौंदर्य का विचार ही नहीं करता, मां तो सुंदर होती ही, क्योंकि अपनी मां को कुरूप देखने का अर्थ तो अपने को ही कुरूप देखना होगा, क्योंकि तुम उसी के विस्तार। तो काली सुंदर है, सुंदरतम है, लेकिन फिर भी गले में नरमुंडों की माला है। सुंदर है पर काली, काल मौत। पश्चिम के विचारक जब इस प्रतीक पर सोचते हैं तो वो बड़े चकित होते कि स्त्री को इतना विकराल क्यों चित्रित किया है, और तुम उसे मां भी कहते हो इतना विकराल। इतना विकराल इसलिए कि जिससे जन्म मिला है उसी से मृत्यु की शुरुआत भी हुई। विकराल इसलिए कि जन्म के साथ ही मौत भी आ गई, तो मां ने जन्म ही नहीं दिया, मौत भी दी। तो एक तरफ वो सुंदर है मां की तरह, स्रोत की तरह, और एक तरफ अंत की तरह, काल की तरह, अत्यंत काली, गले में नरमुंडों की माला है, हाथ में कटा हुआ सिर, खून टपक रहा है, पैरों के नीचे अपने ही पति को दबाए खड़ी। स्त्री के ये दो रूप कि वो जीवन भी है
और मृत्यु भी बड़ा गहरा प्रतीक है, क्योंकि जहां से जीवन आएगा वहीं से मृत्यु भी आएगी। वे दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, और जैसा हिंदुओं ने इस बात को पहचाना, पृथ्वी पर कोई भी नहीं पहचान सका। शंकर को जब मृत्यु का बोध हुआ, मगरमच्छ ने नदी में पकड़ा हो या न पकड़ा हो ये ना समझ इतिहासविदों से पूछे, इससे मुझे कोई बहुत रस नहीं, क्या लेना देना, पकड़ा हो मगरमच्छ ने तो न पकड़ा हो तो, लेकिन मौत दिख गई उन्हें इतना पक्का है। और जब मौत दिख गई तभी संन्यास घट गया। जब मौत दिख गई तो फिर संन्यास बच ही नहीं सकता, फिर तुम जैसे हो जहां हो वहीं ठिगे खड़े रह जाओगे, फिर जीवन वही नहीं हो सकता जो इससे क्षण भर पहले तक था। वो पुरानी दौड़, वो महत्वाकांक्षा, वो यश कीर्ति का नशा, वो सब टूट गया। मौत सब गिरा देगी, मरना है, फिर कितनी देर बाद मरना है इससे क्या फर्क पड़ता है, आज की कल की परसों, ये तो समय का हिसाब है। अगर मौत होनी है तो हो गई, अभी हो गई, और उस मौत का तीर इस तरह चुभ जाएगा कि फिर तुम वही ना हो सकोगे जो अब तक थे। ये जो नए का होना है उसी का नाम संन्यास है। अगर तुम मुझसे पूछो कि संन्यास की क्या परिभाषा है, तो मैं कहूंगा संन्यास वैसे जीवन की दशा है जब बाहर तो मौत नहीं घटी लेकिन भीतर घट गई। जीते हो लेकिन मौत को जानते हुए जीते हो, यही संन्यास है। जीते हो लेकिन मौत को भूलते नहीं क्षण भर को, यही संन्यास है। जानते हो क्षण भर के लिए टिकी है ओस, अभी गिरी अभी गिरी, जगत तरैया भोर की, अभी डूबी अभी डूबी। जीते हो लेकिन जीने के नशे में नहीं डूबते, जीने का नशा अब तुम्हें डुबा नहीं सकता, जागे रहते होश बना रहता, मौत जगाती, जो जाग गया वही सन्यासी है, जो जीवन में खोया है और सपनों को सच मान रहा है वही ग्रस्त है। सपने में जिसका घर है वो ग्रस्त, या घरों में जो सपने सजा रहा है, सपनों के बाहर जो उठाया, तंदरा टूटी, बेहोशी गई, जाकर देखा कि यहां तो सिवाय मौत के और कुछ भी नहीं, जिसे हम बस्ती कहते हैं वो बस मरघट, प्रतीक्षा करने वालों का क्यू है, किसी का वक्त आ गया, कोई क्यू में थोड़ा पीछे खड़ा है, क्यू सरक रहा है, मरघट की तरफ जा रहा है। जिसको ये दिखाई पड़ गया उसके जीवन से आसक्ति खो जाती, वही आसक्ति का खो जाना संन्यास है। संन्यास विरक्ति की चेष्टा नहीं है, संन्यास विरक्ति का अनुशासन नहीं है, संन्यास आसक्ति का टूट जाना है। बस जहां आसक्ति खो गई, अनासक्ति का साधना संन्यास नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि आसक्ति न टूटी हो तो ही अनासक्ति साधनी पड़ती है, आसक्ति टूट गई हो तो अनासक्ति साधनी नहीं पड़ती। आसक्ति की जगह जो खाली जगह छूट जाती है वही अनासक्ति है, वो अभाव है, तब तुम संन्यास्त हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं संन्यास के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम जहां हो वहीं थोड़ा होश आ जाए, बस थोड़ा दिया जल जाए भीतर का, चीजें जैसी हैं वैसी दिखाई पड़ने लगे, नशे की आंख से नहीं।